ठीक है, तो एक्सरसाइजेस मैं बढ़ाती हूँ अब आपकी, और ओके ठीक है वो शुरू करते हैं। स्पोर्ट्स वगैरह तो आप कर ही रहे हो, लंजेस भी कर रहे हो, ठीक है। जी, स्टेप्स पे एक्सरसाइजेस बढ़ाएंगे और लंजेस नहीं हैमस्ट्रिंग, की मैम, एक्चुअली लंजेस नहीं, आपने भी बताया मेरे को। हाँ लंजेस नहीं किया ना, तो लंजेस और जी, हैमस्ट्रिंग्स की स्ट्रेंथनिंग शुरू करेंगे अब, ओके ठीक है। आ जाइए 1 मिनट, ठीक है। पहले एक्सरसाइज स्टेप्स पे करेंगे, तो आप स्टेयर केस पे चले जाओ, मैं दिखा रही हूँ आपको करना कैसे है, ठीक है। यहाँ पे मैं स्टेपर अप लगाऊंगी जाके, ओके दिख रहा है आपको स्टेप, दिख रहा है अभी, जी, हाँ जी, हाँ जी मैम, देख रहे हैं। ठीक है ना। मैं थोड़ा सा और कैमरा एडजस्ट कर देती हूँ, तो इजीली आपका। ओके ओके हाँ, तो अभी आपको क्या करना है, दो चीजें शुरू करनी है। एक तो स्टेप अप शुरू करना है, स्टेप अप करने के लिए अभी दिख रहा है ना, तो स्टेप अप करने के लिए पैर को ऊपर उठाना है, स्टेप अप डाउन, ओके फिर अप और फिर डाउन, ठीक है। मैं आपको ओके उल्टा एक बार करके दिखाती ओके हूँ कैसा दिखेगा। तो स्टेप डाउन है, पर आपको करना ठीक है। तो बैक से करना है मुझे। नहीं, आपको ऐसे ही करना है ओके ताकि आपको मेरा घुटना दिखे, मैं मुड़ के दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। वरना ऐसे ओके, रहेगा, ऐसे 1 2, सर्जरी वाला मतलब पैर ऊपर रखना, घुटने को स्ट्रेट करना है या बैंड करना है मुझे। बेंड करके चढ़ोगे ना आप, अपना सर्जरी वाला पैर पहले स्टेप पे ओके रखो, दिखाओ मेरे को ओके करके, 1 मिनट। हाँ ठीक है, अब ओके जो ऑपरेटेड लेग है उसको स्टेयर केस पे रखना। हाँ, हाथ को ओके सामने रख लो, ऐसे हाथ को सामने बांध दो। हाँ, अभी बेंड करो, गुड। हाँ, और ऊपर आओ, पूरा पैर नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। हाँ, और नीचे जाओ, बस उठो, दोबारा 2 और डाउन, दोबारा 3 डाउन, पैर को पूरा सीधा करने की कोशिश करिए, 4 ओके डाउन, दोबारा 5 डाउन, दोबारा 6, गुड। इसी में स्टेप डाउन करना है अब आपको, ठीक है। घूम जाओ और नीचे उतरने की कोशिश करो आप, हाँ। 1, पीछे पैर से हील नहीं उतारना, हील वैसा, हील खड़ा नहीं होना चाहिए, जितना आप नीचे जा सकते हो बस वैसे। हाँ, अब दोबारा 1, वापस 2, 2, सीधा 3, सीधा 4, दोबारा 5, हील को जमीन पर रखने की कोशिश करिए, मतलब ऑपरेटिव ऑपरेटेड लेग ऊपर रहेगा। लेग, हाँ, ऑपरेटेड लेग स्टेयर्स पे रहेगा, और जो आपका पैर है लेफ्ट, उसकी मतलब हिलाव नहीं करनी मुझको। उसकी हील उठा, कोशिश करो कि हील उठाने की जरूरत ना पड़े आपको, सिर्फ उतना ही नीचे जाओ जितना, जितने टाइम तक आपका पैर फुट के, मतलब फुट आपका ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में रह सकता है। मतलब जो ऑपरेटिव लेग है उसकी हील मुझे अप ही रखनी है या डाउन नहीं रखनी नहीं आपको स्टेयर पे अपने पैर को ऐसे रख लिया, है? ऑपरेटेड लेग को, जब आप नीचे जाने की कोशिश कर रहे हो तो नी को बेंड करो, हील को मत उठाओ, ठीक है। ठीक है, ओके करके दिखाओ मेरे को, ओके ओके अभी दोबारा। हाँ, गुड। धीरे से नीचे सीधा रखो बॉडी को, आप अभी पूरा ग्राउंड को टच करने की कोशिश मत करो, जितना आप कंफर्टेबली नीचे आ सकते हो सिर्फ उतना ही नीचे आके फिर ऊपर जाइए। दोबारा 1, बस इतना सही। हाँ, सिर्फ टो टच करके वापस आ जाओ, सिर्फ टो टच करके वापस आ जाओ आप, आपकी वीडियो अटक रही है। हाँ, 1 सीधा, ओके मैम, हो गया।
आप जैसे बताया यार, मतलब समझ गई मैं, हील टच करना है मेरे को सिर्फ। हाँ, नी बेंड करके टो टच करके वापस आना है आपको, ठीक है। थर्ड एक्सरसाइज के लिए बेड पे लेट जाओ आप। हाँ, बेड पे लेटना है। हाँ ओके ओके तो, और नी को बेंड करो, नी को बेंड करो। हाँ, प्रॉपरली नी को बेंड करो। वन, और सीधा करो। आपको जब लेटना तो पूरा लेटना है, आर्म्स का जोर नहीं लगाना, ठीक है, बिल्कुल भी। और इस पे आप 1 kg वेट डाल सकते हो। ये मैम मैं कर रही हूँ एक्चुअली, ये वाली कितने कितना केजी वेट डाल के कर रहे हो? 1 kg। हाँ, तो इसको 1.5 kg कर दो, और सेम एक्सरसाइज को स्टैंडिंग में शुरू कर दो आप। खड़े हो जाओ, मैं बताऊंगी खड़े होकर कैसे करनी है। चेयर ले लो आप एक अपने सामने, ये सेम एक्सरसाइज खड़े होके करनी है। चेयर ले लो आप एक सामने अपने, ओके चेयर को पकड़ के बैठना नहीं है, खड़े हो जाओ, चेयर के पीछे जाओ, पीछे जाओ। पीछे। हाँ, चेयर को पकड़ लो, जैसे वो ऐसे पकड़ते हैं ना, ऐसे पकड़ लो, ठीक है। ऐसे हाँ, और उसके बाद अपने नी को बेंड करो खड़े होके। वजन नहीं डालना चेयर पे, सिर्फ सपोर्ट के लिए पकड़ लो। नी फुल बेंड करनी है जितनी आप बेंड कर सकते हो उतनी बेंड करनी है। हाँ, घुमा दो ऐसे। पूरा। हाँ, बेंड करो स्ट्रेट, सीधा करो। हाँ, दोबारा बेंड। जब आप बेंड कर रहे हैं तब कमर सीधी रहेगी आपकी, मैं देख रही हूं, आप मेरे को मत देखो, आप घूम जाओ पूरा। हाँ, गुड। कमर को सीधा रखिए, कमर को सीधा रखिए, बैक स्ट्रेट। नहीं, सुनीता मैम, पहले सीधा खड़े हो जाओ, घूम जाओ और सीधा खड़े रहो। आप कैमरे की तरफ नहीं, आपकी बैक कैमरे की तरफ रखो। हाँ, सीधा खड़े रहना, पीछे की तरफ थोड़ा सा लीन कर सकते हो, आगे बिल्कुल भी नहीं झुकना। ऐसे ही खड़े खड़े बेंड करो। वन, गुड। दोबारा रिलैक्स, सीधा करो पैर। हाँ, दोबारा करो। टू, गुड। सीधा करो पैर, दोबारा। थ्री, सीधा करो, दोबारा। फोर, सीधा करो, दोबारा। एंड रिलैक्स, ठीक है। इस पे आप 1 kg वेट डाल सकते हो, ठीक ओके है। चेयर को पकड़ के एक और एक्सरसाइज आपको शुरू करनी है। उसमें जैसे आप सीधा खड़े होके नी को बेंड कर रहे थे ना, उसमें आपको पैर को पीछे लेके जाना है, मैं बता रही हूँ ऐसे। तो आपने चेयर को ऐसे पकड़ा हुआ है, पैर को ऐसे पीछे लेके जाना है आपके, बट बॉडी आगे नहीं झुकनी चाहिए, बॉडी शुड बी बैक अच्छा, स्ट्रेट लेग स्ट्रेट रखनी है खड़े। नीचे की तरफ। हाँ, जैसे आप पीछे की तरफ लात मार रहे हो ऐसे ओके करके दिखाओ। ओके ओके बैक स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट, बैक को बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा। वन, हाँ, नीचे जाइए, रिलैक्स, दोबारा। टू, रिलैक्स, दोबारा। रिलैक्स, दोबारा। फोर, रिलैक्स, दोबारा। फाइव, एंड रिलैक्स, ठीक है। इसके अलावा एक और एक्सरसाइज, वही जो बैठ के पैर को सीधा करना है ना, वो आपको दोबारा शुरू करनी है, पर उसमें वजन मत डालना, ओके आप फ्री करो उसको। मतलब बैठ के कॉर्नर पे बैठ के। ठीक हाँ, एज पे बैठ के पैर को सीधा करिए। हाँ, पैर को सीधा करो, पूरा फोल्ड करो इधर। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, एंड बेंड। इसमें वेट मत डालना अभी, पूरा बेंड करो, बेंड करो, पूरा बेंड करो, 90 तक पूरा बेंड करो।
हाँ, ये आपका जो हील है दैट शुड टच द बेड। हेलो, एक मिनट, अभी कुछ डिफिकल्टी आ रही थी पैर को ऊपर उठाने में? अभी नहीं। ठीक है, तो आप फ्री वेट से ही शुरू करो अभी, बिल्कुल वेट मत डालना। एक हफ्ता यही एक्सरसाइजेस कंटिन्यू रखनी है। प्रीवियस एक्सरसाइजेस से स्क्वाट्स आपको करना है अभी भी, और बेंडिंग, बेंडिंग तो बेंडिंग का बढ़ाओ, बेंडिंग तो आप जितना कर सकते हो उतना बेंडिंग करो। स्क्वाट्स करना है और लैटरल स्टेप अप करना है, वो नहीं बंद करना, बाकी सब बंद कर दो आप। स्टेयर्स वाला वो काउंटिंग वगैरह में कितना करना है? सब कुछ, सारी एक्सरसाइजेस, 10 रेपिटेशन, 3 सेट, दिन में 10 रिपीटेशन, 1 टाइम या 2 टाइम? 3 सेट। 3 सेट एवरी ठीक है, तो एक्सरसाइज। आप, हाँ, एवरी एक्सरसाइज तो आप दिन में 2 बार एक्सरसाइज करो, 3 3 सेट मारो, बट एक बारी पे। ओके, टू ठीक है, एक बार टाइम सुबह, हाँ ठीक एक बार सुबह एक्सरसाइज करो, एक बार शाम को एक्सरसाइज करो, दैट शुड बी इनफ। है। आपने जो आप मेरे को बताई ये सारी मुझे करनी है, और हाँ, दो जो क्रॉस में से, वो तो करनी है, बाकी ये सब बंद करना है। एक बेंडिंग और स्क्वाट्स और ये। हाँ, अच्छा, मैं वज्रासन वगैरह में नहीं बैठ सकती अभी? अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, थोड़ा टाइम। नहीं 45, आपका रिकवरी बहुत ओके फास्ट चल रहा है डेज के हिसाब से, बट थोड़ा सा और, ओके थोड़ा सा कॉशियस रह के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी भी मतलब जो एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ उसमें टायर हो रहे हो आप, तो दैट इज एन इंडिकेटर मसल। बेंडिंग में मैं, पता है क्या प्रॉब्लम? एक तो ना मेरे थाइज में और काफ में स्वेलिंग है ना, तो बेंडिंग पूरी नहीं हो रही है। वैसे मेरी ऑलमोस्ट हो चुकी है, हाँ, लेकिन स्वेलिंग की वजह से प्रॉपर नहीं हो पा रहा मेरा। स्वेलिंग विद इन 2 मंथ्स अपने आप सेटल हो जाएगी, मेरी जैसे एक्चुअली वो जैसे, डीबीटी वाली स्पेलिंग है ना, डीबीटी की वजह हाँ से है, जो डीबीटी भी वो है। इश्यू है मेरा आप एक और काम शुरू वो। करो, आपने जॉगिंग वगैरह कुछ स्टार्ट किया हुआ है क्या? नहीं एक्चुअली जॉगिंग वो मैंने आपको बोला ना, मेरा नी में थोड़ा हैवीनेस है, तो मुझे हाँ, थोड़ा मैं आपको बताती हूँ करना क्या। आपको, आप ना 0.2 किलोमीटर जॉगिंग और 0.2 किलोमीटर वॉकिंग से शुरू करोगे, ये जो हेवीनेस ओके और ये जो और स्वेलिंग है ये उतरेगा जैसे जैसे वेट बेरिंग ओके बढ़ेगी हाँ ना, क्योंकि अभी तो हम देखो सारी फ्री एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, असर तब आएगा जब ओके उन एक्सरसाइजेस को उठा के हम कामों में, डेली के कामों में यूज करेंगे, तब बॉडी ओके रिजल्ट देना ओके शुरू करेगी उनका। और तो आप साइकिलिंग करनी है या साइकिलिंग नहीं? कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप ओके 0.2 किलोमीटर जॉगिंग, 0.2 किलोमीटर वॉकिंग से शुरू करो। तो अगर आप ओके नाप के 0.2 किलोमीटर रन करो, फिर जॉग करो और फिर रन करो, ठीक है? और अभी एक हफ्ते तक वैसी करो, फिर बढ़ाऊंगी मैं उसको। ओके मैं ये वाला आपने रिकॉर्ड कर रखा होगा सेशन मेरा। हाँ, ये जाएगा ACL विनर यूट्यूब पर। ठीक है ठीक है, क्यों क्यों मुझे भी ना एक्चुअली सारी एकदम लर्न नहीं होती ना एक्सरसाइजेस हाँ, की, नहीं, ये यूट्यूब पे पब्लिश तो होगा, मैं आपको भेज दूंगी सेशन फिर, ओके ठीक है? ओके ओके ओके, और कुछ नहीं, बस इतना ही। आपके कोई डाउट्स और कंसर्न्स? नहीं? फिलहाल तो बस ये नी वाला था, नी भी है, नी हैवीनेस थी और थोड़ा सा पेन भी आता है हाँ, जैसे। वेट बेरिंग शुरू करो, ये अपने आप जाएगा सारा, ओके ठीक है? थैंक यू, ठीक, कुछ होगा तो मैं आपको मैसेज कर श्योर दूंगी। श्योर, फॉर थैंक श्योर, फॉर श्योर, ठीक है, बाय। यू मैम। ओके।